लिपस्टिक, बाजार जाओ और सामान ले और फूल देख कर लेना, ताजे ही। हाँ हाँ, पर जाइए, फूल ले आऊंगा और सारा सामान ले आऊंगा। जल्दी जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम। है कोई इस घर के अंदर हमको चाह छाप लाने वाला? लस्सी तो पिलाएगा नहीं, और हमने तो कोई वार्ता नहीं रखा। हाँ लीजिए भाई साहब चाय। सतनाम सतनाम सतनाम। ले हरमन चाय पी लो। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीनी? ले पी ले चाय। मुन्नी मेरे ठीक है। शेरा ले हरमन चाय पी ले। मैंने कहा मन नहीं है मेरा, मैंने कहा चाय पी। चाय पी हरमन। तू हरमन सिंह को जानता नहीं है। जान गया हूं अच्छे से तुझे मैं। हरमन व्रत कर रहा है सौम्य के लिए। तुझे मैंने सौम्या को भूलने के लिए कहा था, तभी तो मेरी बहन जस्सी तेरे साथ शादी करके खुश रह पाएगी। लेकिन तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। पागल हो गए हो तुम? हाँ तुम किसी को किसी से प्यार करने के लिए फोर्स थोड़ी कर सकते हो यार। दोस्त अच्छे हो, शादी कर लो, प्यार हो जाएगा। और तू हरमन जितना व्रत करना है ना कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, आज रात भर का ही वक्त है तेरे पास, नहीं तो कल सुबह मैं तुझसे बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो पूरे मोहल्ले वाले को साथ में बिठा के करूंगा। तू कर ले व्रत जितना करना है। हरमन। अरे समीर आना। आपको देख के लग रहा है जैसे आप हरमन के बाबूजी हैं। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सत श्रीकाल। मैं तेरे मुंह कभी ऐसा ना सुनिया नहीं समीर। अंकल जी दरअसल हमारी दोस्ती भी नई नई हुई है। आप लोगों की तो इतनी बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री है, मेरी भी एक खिलौनों की छोटी मोटी दुकान है, बस उसी सिलसिले में हमारी दोस्ती हो गई। अब बिजनेस की बात फोन पे करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा खुद ही आप आ जाता हूँ, इसलिए आ टपका। कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं नहीं अच्छा हुआ तू आ गया। चल मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। अगर बिजनेस डील की बात करनी है तो यहीं बैठकर कर लो। अपने काम से काम रख। चल समीर। आज वट सावित्री की पूजा है और आज के दिन हर पत्नी अपने पति के लिए पूजा करती है, और तुम्हें देखो यहाँ बैठकर चाय और टोस्ट चूस रही हो। ओ, मैं ये वट सावित्री की पूजा वूजा नहीं मानती हूँ समझे ना, और वैसे भी कोई भी व्रत या पूजा करने के लिए ना पहले उस लायक बनो। आए बड़े वट सावित्री की पूजा करवाने वाले। मैडम अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, और जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और पति परमेश्वर होता है। ओहो, पहले इंसान तो बन जाओ, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है पतिदेव। जितनी हदें पार कर ली ना कर लो, एक बार सच सामने आया ना। कौन सा सच? कैसा सच? कौन से सच का इंतजार कर रहे हो तुम? हाँ किसी भ्रम में मत रहना कि मैं कोई डीएनए टेस्ट करवाने वाली, समझे ना।
और सच ये है कि ये बच्चा हमारा है। तुम इस चीज को मानो या ना मानो वो तुम पर डिपेंड करता है। डीएनए टेस्ट तो तुम्हें करवाना पड़ेगा और देख लेना, बस टाइम टाइम की बात है। एक बार टाइम आने दो, फिर पूरे पिंड को इकट्ठा कर लूंगा और ले जाऊंगा तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, देख लेना। बता मेरे दोस्त, क्या क्या चाहिए तुझे? तुम तो जानते ही हो यार, छोटी सी दुकान है मेरी, बस उसके हिसाब से ही। बाकी सब तो ठीक है ना? फिलहाल तो बरकत नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूं। एक दिन हो जाएगी। एक बात कहो समीर, सौम्या मेरी जिंदगी है और तू मुझे मेरी जिंदगी को ढूंढने में मदद कर रहा है। समझ नहीं आता तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे कैसी बातें कर रहा है, इसमें शुक्रिया वुक्रिया छोड़िए सब। तो तू है दोस्त जो मेरी मदद कर रहा है ना, यहां तो पता नहीं मेरे और सौम्या के प्यार के कितने दुश्मन हैं। कोई चाहता ही नहीं कि हम दोनों एक हो जाएं। तेरे आने से कम मैं अकेला नहीं महसूस कर रहा। कोने में सिर्फ तुम बसी हो सौम्या, तुमसे इतना दूर होकर इस कमरे में मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है। तो ये मेरा नया दोस्त है समीर, सौम्या को ढूंढने में यही मेरी मदद कर रहा है। चाहे शुक्रिया, रब तुझे लंबी उम्र दे, हमेशा खुश रखे। मुझे उम्मीद है तुम दोनों मिलकर सौम्या को ढूंढी लोगे। मेरी बेटी है, बहू नहीं। कहां मिलते हैं ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की इतनी मदद करते। शुक्रिया। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा अपना ही स्वार्थ है। खामखा हीरो मत बनाओ मुझे, हीरो वाली हरकत नहीं मेरी। हरमन, आज के दिन शाम को कुलदेवता को प्रसाद चढ़ता है, तू बाजार से जाकर सामान ले आना। शायद अब पूजा से इस घर के ग्रह कटे। हाँ ठीक है प्रीतो, कोई ना, मैं ले आऊंगा जाके सामान। तुम दोनों बैठो, चाय वाय पियो, बातें करो, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हरमन, तुम्हें भी काम है मुझे भी, तो जो भी सामान की लिस्ट होगी वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। चलता हूँ। ठीक है। हरमन, बाहर जा रहे हो, कितनी देर में वापस आओगे? ये सवाल तो मुझसे आज तक हरक सिंह ने भी नहीं पूछा था। तू होता कौन है ये सवाल पूछने वाला? मैं कौन होता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए चुपचाप बताओ जो पूछ रहा हूं। और बाहर जा रहे है तो घंटा तो घंटा तो लग ही जाएगा।
अपना मोबाइल दो। बिल्कुल पागल हो गया ये हरमन, दे दो ऐसे फोन। अब जाओ और पूरे 2 घंटे में वापस आ जाना, और तुम जहां से आए हो सीधा वापस जाओ। इस घर के हालात अभी दोस्ती निभाने वाले नहीं है। सुनो, मैं कह रही हूं कि अब हरमन अब चलता हूं, अब सत श्री अकाल। हरमन, आज के दिन शाम को कुलदेवता को प्रसाद चढ़ता है, तू बाजार से जाकर सामान ले आना। शायद अब पूजा से ही इस घर के ग्राहक हैं। बेटा, वो लड़की जिससे प्यार करती है ना, उसने भले उसे छोड़ दिया हो, लेकिन वो आज भी इस दुनिया में है, और जब तक वो इस दुनिया में है वो लड़की उसी से प्यार करती रहेगी। कुल मिलाकर सौम्य और मेरे बीच सिर्फ तुम हो हरमन, तो उसके करीब आने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सॉरी सोमन, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे?
सुनिए, मुझे थोड़ा धागा देंगी? मुझे भी जाके बांधना है और पूजा करनी है। धन्यवाद। जानता हूं सौम्या, तुमने भी ये व्रत अपने हरमन जी के लिए रखा होगा। उसी का तो फल है जो मेरी जान बच गई, वरना ऐसा पुण्य तो मैंने आज तक नहीं कमाया। और जो पुण्य कमाया था उसे गवा दिया, और आज मैंने भी ये व्रत रखा है तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए। हे भगवान, मैंने ये व्रत पूरे मन और श्रद्धा से रखा है। अगर आपको लगता है कि मेरा व्रत सच्चा है, मेरी सौम्या मुझे लौटा दीजिए। सदा सुहागन रहो। एक मिनट, हमारी तरफ से हमारी रानी को एक तुच्छ सा तोहफा। एक सुहागन को ये सब नहीं, बल्कि सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उसका सुहाग सही सलामत रहे। तेरा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। हरमन को बख्श दीजिए। इस वक्त आपके सामने आपका पति खड़ा है। पति से आपको जो मांगना है मांग लीजिए, पिता आपको दे नहीं पाएगा। कमाल है, मैंने तो उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की थी, ये तो एकदम सही सलामत यहाँ पे पेड़ पे धागा बांध रहा है। वट सावित्री की पूजा है हरमन जी की सलामती के लिए। हे भगवान, मैं अपनी सौम्या के लिए आपसे कोई खुशी नहीं मांगू, बस मुझे मेरी सौम्या से मिलवा दीजिए। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। प्लीज मुझे मेरी सौम्या लौटा दीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी जिद या फिर सौम्या को पाने का मेरा ये जुनून है।